राजश्री सोल से सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। मनुष्य जब जन्म लेता है उसी समय वह जीवन चक्र के साथ जुड़ जाता है। जैसे जन्म है वैसे ही मृत्यु है। हिंदू धर्म के अनुसार इंसान के जीवन काल के दौरान कई सारी प्रथाओं और परंपराओं का पालन किया जाता है। वैसे ही इंसान की मृत्यु के पश्चात हम कई सारी प्रथाओं और मान्यताओं का पालन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर मनुष्य के ऊपर तीन प्रकार के ऋण होते हैं, जो है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हमें इन तीनों ऋणों को अपने जीवन काल में चुकाना पड़ता है। पितृ ऋण को पितृ पक्ष में चुकाया जाता है। पितृ पक्ष हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने में आने वाली 16 चंद्र दिवसों की अवधि है, जिस समय पितरों की शांति के लिए हर साल हिंदू अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारे पूर्वजों के प्राण पितृलोक में वास करते हैं, जिसके मुख्य है यमराज। ऐसा मानते हैं कि यमराज सभी पितरों को अपने परिजनों से पितृदान स्वीकार करने आजाद करते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ज्यादा महत्व है। ऐसा मानते हैं कि पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को पानी और भोजन का दान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महाभारत में युद्ध के दौरान जब महायोद्धा कर्ण का निधन हुआ तब उनकी आत्मा स्वर्ग गई। वहां उन्हें खाने में सोना और अन्य जेवरात दिए गए। उनकी कुछ समझ न आया। जब उन्होंने इस बारे में पूछा तब उन्हें इंद्रदेव ने बताया कि जब जब तुमने दान करने का शुभ कार्य किया तब तब तुमने सिर्फ सोना और अन्य आभूषणों का ही दान किया, कभी भी अपने पूर्वजों के लिए अन्न दान नहीं किया, और इसीलिए तुम्हें खाने में सोना और जेवरातों से भरी थाली परोसी गई। कर्ण अपने पूर्वजों से जुड़े इस प्रथा से अनजान थे और इंद्र से माफी मांगते हुए उन्होंने पृथ्वी लोक जाकर अपनी गलती सुधारने का एक मौका मांगा। इंद्र ने उनकी इस विनती का स्वीकार किया और उन्हें 15 दिनों के लिए फिर से पृथ्वीलोक पर भेजा ताकि वह अपने पूर्वजों को श्राद्ध दान कर सके। इन 15 दिनों के समय को पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध के अलावा और भी अन्य कार्य किए जाते हैं, जैसे ब्राह्मण भोज। इस दौरान ब्राह्मणों को अन्नदान दिया जाता है। उन्हें घर बुलाकर उनका आदर सत्कार करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। पिंडदान, इस दिन हम चावल और तिल के बीज लेकर उनका छोटा गोला बनाते हैं। इस गोले को छूकर हम अपने पूर्वजों को आवाहन करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तर्पण, कहते हैं कि जलदान सबसे श्रेष्ठ दान होता है। आप इस दौरान देवों, ऋषियों और अपने पूर्वजों को जल दान करते हैं और इस तरह दान देकर हम अपने पितृ ऋण को चुकाते हैं।